बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हानिया हूँ और आपको अपने ब्यूटी चैनल हानिया ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बेहद ही आजमूदा फार्मूला, जिससे आप घर बैठे अपने आप को निखार सकेंगे। हमारी आज की रेमेडी जो है वो सर्दियों के हवाले से है। हम जो सर्दियों में हैंड एंड फीट लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन, तो उससे हमारा कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। आज की जो हमारी रेमेडी है वो कुछ उसी हवाले से है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी वक्त आए कि हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी के लिए चाहिए हमें सबसे पहले एक साफ़ प्याली, फिर हम इसमें एक चम्मच के करीब ऐड करेंगे ग्लिसरीन। हाथों और पाँव के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर हम इसको अकेले भी यूज़ करें तो भी हमारे हाथ पाँव नरम हो जाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो भी आप लोशन घर में यूज़ करते हैं, कोई भी। मैं निविया का करती हूँ तो मैं वही डाल रही हूँ। एक चम्मच के करीब हमने ऐड करना है इसमें लोशन जो भी आप यूज़ करते हों। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लीमू का रस, आधा लीमू। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका मिक्सचर कुछ सीरम टाइप बन जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से सीरम टाइप बन गया है। आप चाहें तो इसको सीरम की बॉटल में भी सेव करके रख सकती हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा दिन के लिए सेव नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उतना ही बनाना है जितना हम यूज़ करेंगे एक दिन में। आपने थोड़ा सा इस तरह हाथ पे लेना है जैसे मैं ले रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से हाथों पे, आपने अपने हाथों और पाँव पर इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है। ना सिर्फ इससे आपके हाथ बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे आपके हाथ पाँव, बल्कि ये बहुत ज़्यादा वाइट भी हो जाएंगे। लोशन में जितना वाइटनिंग बताते हैं कि इसमें ये चीज़ है वो चीज़ है जो आपको ब्राइट करेगा आपके कलर को, लेकिन इतना होता नहीं है। तो हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अपने हाथ पांव खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी इस मॉइस्चराइजिंग वाइटनिंग लोशन सीरम जो भी आप इसका नाम दें तो आप उस तरीके से इसको यूज़ करें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आई होप आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त आप के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।